हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। देखिए, अगर आप यहाँ पर कॉल रिजेक्शन की सेटिंग करना चाहते हैं, ब्लॉक कॉल्स की सेटिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्ड कॉल सेटिंग और कॉल वेटिंग, यहाँ पर बहुत कुछ कॉल की सेटिंग्स होती है आपके फोन में, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप कॉल सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको फोन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ देखिए आपको आपकी कॉल सेटिंग्स नजर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है। यहाँ आप अगर सबसे पहले कॉल रिजेक्ट करना चाहते हैं, इनकमिंग कॉल को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं और विद मैसेज, तो उसके पास एक मैसेज चले जाएगा कि आई मीन अ मीटिंग, आई कॉल यू बैक लेटर, या आप जो भी ड्राइव कर रहे हैं, बिजी हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप मैसेज चले जाएगा, ठीक है। आप एडिट करके भी उसे भेज सकते हैं और आप यहाँ पर कॉल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं। हैरेसिंग कॉल्स, देखिए जो आपको कंपनीज फालतू में कॉल करती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल करती हैं, इंश्योरेंस के लिए कॉल करती हैं, तो आप उसे सब ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एजेंट वेजेंट जो भी आपको कॉल करते हैं वो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अननोन नंबर को भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से अननोन नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हैं, और ये आपके जो भी आप जिसको ब्लॉक करा है आपने, उसका यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप इस नंबर को आपने ब्लॉक करा है, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पर आप रिकॉर्ड सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी से यहाँ पर कस्टम कॉल सेट कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में यहाँ पर आपको और जानकारी मिल जाती है। यहाँ आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी को कॉल करते, आप कोई कॉल करता है और आप बिजी हैं, तो आपको वो वेटिंग वेट करने बोल देगा, वो लाइन पे बने रहेगा। और कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, फॉरवर्ड कॉल कर सकते हैं आप किसी और नंबर पर। कॉल बैरिंग है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। सिम टूल किट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आपके सिम कार्ड से। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चेंज नंबर, यहाँ पर आपको बता देगा, जैसे ट्रू कॉलर होता है वैसे ये वीवो का फीचर है। यहाँ पर आपको बता देगा ये नंबर कहाँ से आया है, किस नंबर है, कहाँ से कहाँ पे है, मतलब स्पीड डायल है आपको, आपका क्या नंबर है, यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं अपना। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉल की सेटिंग्स है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन बता। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।